Subscribe and click the bell icon for all the television updates. रक्षाबंधन का त्यौहार हो और किसी ऐसे भाई के साथ नाम हूँ मैं जो मुंबई में आके सिर्फ और सिर्फ बहन बना रहे हैं, और ऐसे ही मैं शख्स के साथ हूँ जो बिग बॉस से निकलकर आई थिंक उन्होंने जमकर रिश्ते बनाए हैं, जिनके साथ मैंने सबसे ज़्यादा रिश्तों की स्टोरी की है। तो जी हाँ, मैं उनसे आपको मिलाती हूँ जिनकी बहुत सारी बहनें अंदर इंतज़ार कर रही। सबसे पहले भाई से मिल लीजिए, आखिर वो कौन है यहाँ पर। तो सब यहाँ पर सब जब भी मैं मिलती हूँ एक नए रिश्ते के साथ, हमेशा मैं आपको देखती हूँ। इस बार भी बहुत सारे लोग अंदर बैठे हैं, बहुत सारी बहनें, क्या कहना चाहेंगे? जैसे मेरी मम्मी बताती है, हर ज़िंदगी का बेस होता है रिश्ता। अगर रिश्ते अच्छे हो तो ज़िंदगी भी अच्छी होती है। तो जहाँ पे मिलो, हंस के मिलो, अच्छे से रहो। तो मैंने बहुत बहनें बनाए जैसे तुमने अभी कहा है। तो यस, आई लव बीइंग इन रिलेशनशिप विद राइट पीपल एंड गुड पीपल। तो बहनें हैं, अंदर चलें। हाँ, वैसे गिफ्ट बैग के साथ हम यहाँ पे रेडी हैं, उनके लिए गिफ्ट्स हैं अंदर, राखियाँ भी तैयार होंगी, दिए हैं। देखेंगे एक भाई और बहन की जो बॉन्डिंग शायद खून से ना हो पर दिल से ज़रूर है, हम उनसे और इनकी पूरी जर्नी के बारे में बातें करेंगे। चलिए अंदर और इस रिश्तों की अनोखी कहानी को एंजॉय कीजिए हमारे साथ। हाय, वेलकम माय डियर ब्रदर। तो ये पहली बहन है जिनको काफी बार सब्बे के साथ देखा गया है। सो राखी की कितनी ज्यादा तैयारी वैसे हो चुकी है अंदर? हम बिल्कुल, वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वी आर देयर टू वेलकम हिम ऑलवेज एंड फॉरएवर। शी इज़ अ फ्रेंड। जब मैं बॉम्बे आया था उसके 2 साल बाद मिली थी मुझे, 20 साल हो गए इस बहन को मेरे, एंड शी इज़ ऑलवेज बीन देयर फॉर मी। कुछ भी प्रॉब्लम हो मैं बात करता हूँ, इसका भी कोई प्रॉब्लम हो मैं बात करता हूँ। तो ये रिश्ता लाइक सगे बहन से भी कुछ बढ़कर है, एंड शी इज़ अ स्वीट हार्ट। सो इजी, पहली बहन की शुरुआत हो चुकी, बाकी बहनें अंदर इंतजार कर रही हैं जिनका दिल का रिश्ता है। तो चलिए देखते हैं और कितनी बहनें हैं यहाँ पर। ये मेरी और एक बहन है राष्ट्रीय, और पीछे पीछे हमारी बिग बॉस 11 की ज्योति कुमारी, बहुत छोटी बहन है मेरी। ये है, आ जाओ, अनारा, बहुत प्यारी बहन है, भोजपुरी की सुपरस्टार है और बहुत खूबसूरत है, दिल की बहुत अच्छी है। और एक वहां पे लोकेश, आप अगर नोटिस करें तो बिग बॉस 10, 11 और फ्यूचर के भी बिग बॉस के कुछ लोग हैं यहाँ पे, मैं वो बताना नहीं चाहूँगा अभी। सो ये है मेरी बहनें बॉम्बे के, बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं मैंने, एंड चलिए त्यौहार जैसे मनाते हैं और राखी बनाते हैं, कुछ कंपटीशन रखा है करते हैं। चलो आ जाओ, बैठ जाओ। ओके, स्मॉल कॉम्पिटिशन बहनों के बीच, और यहाँ पे राखी बनाने के लिए रखा गया है। मैं टीम बना देता हूँ, आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है? सो ज्योति और लोकेश बनाएंगे एक राखी। आ जा ज्योति, और आप दोनों बनाओगे 2 राखी, आप तीनों, ठीक है? सो दीज आर द धागाज। बड़ा मजा आएगा। ये आपको बनाना है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें, पैकेट में सारे चीज़ें हैं, आपको बनाना है बड़े प्यार से, और जितने जल्दी बनाओगे, हाँ रीअसेंबल करना है, जितने जल्दी बनाओगे उतना अच्छा है। चलो रेडी हो गया इन लोगों का राखी, अभी टाइमर बंद हो गया है, रेडी हो गया है। ये देखिए, ये ज्योति और दूसरी चुटंकी लोकेश ने बनाया है, ये अनारा ने बनाया है, और छोटा सा गणपति वाला, कितना सा क्यूट सा है। इट सीम्स लाइक आई एम इन अ किंडरगार्टन और समथिंग, छोटी बहन बनने वाली है। सो वेरी क्यूट, फास्ट बनाया आप लोगों ने। सो मैं इसमें कोई जीतता हारता नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर लव टू टुवर्ड्स मी। जैसे मुझे नेहा ने बताया था
देयर इज नो विनर और लूजर इन दिस वन, इज थैंक यू सो मच फॉर योर लव, ये बांधूंगा मैं. अभी है, यू हैव टू राइट समथिंग फॉर मी, दैट वुड बी योर गिफ्ट टू मी. ठीक है, सो हियर आर योर पेपर्स. अब सबको स्केच पेन और पेपर दे दिया गया है. अनारा ने जैसे ऑरेंज कलर ले लिया कपड़े के हिसाब से. मेरी बहन दिव्या एंड क्या लिखा है भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना. ओके माय डियरेस्ट शगुन, एज आई ऑलवेज कॉल यू शगुन सिंस आई हैव मेट यू, इवन बिफोर यू बिकेम दी सभ्यसाची सतपति, यू विल ऑलवेज बी माय शगुन हुम आई लव द मोस्ट एंड आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू लाइक यू ऑलवेज कॉल मी. गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच. That's a very sweet one, yeah. Thank you so much. तो मैंने मेरे भाई के लिए कभी भी लेटर लिखा नहीं है, पहली बार लिख रही हूँ. पहली बार? Messages तो अलग बात है, but pen paper लेके ऐसे लिखना is like a different thing. Shagun, Shaguni, Urf Sabhya Bhaiya. We met years back. We connected. We loved each other. The immense respect and admiration is incredible. We have stood for each other in highs and lows. You have been my strongest support. You push me towards my betterment. You protect me, love me, and I love you too. You are more than my blood relation bond. After meeting you, I know what a brother actually means because I don't have one real. I promise you, I will always and always and always be there for you no matter what. समझे शौर्य के मामा. लव यू शगुन, माई गाइडिंग एंजल, माई गार्डिंग एंजल. तो कार्ड बनाया मैंने, हैप्पी रक्षाबंधन टू माई स्वीटेस्ट एंड मोस्ट क्लोज टू माई हार्ट ब्रदर सभ्या भैया. शब्दों में नहीं बता सकती हूँ कि मैं आपसे क्या रिलेशनशिप शेयर करती हूँ, बट येस बहुत कम बातें हैं, बहुत शब्द हैं एक्सप्लेन करने के लिए कि हाउ मेंट यू फॉर मी. बस इतना ही कहूँगी, थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी व्हेन आई नीड यू द मोस्ट, व्हेन माय अप एंड डाउन्स, व्हेन आई फील समबडी इज देयर टू हग एंड आई लाइक क्राई, थैंक्स फॉर बीइंग देयर दैट टाइम. सो आपके लिए ये मांग रही हूँ भगवान से कि दिस रक्षाबंधन ब्रिंग्स यू फॉर सक्सेस, मनी, वर्क, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ एंड लव. कीप रॉकिंग, गॉड ब्लेस यू जैसे आप कर रहे हो, बी द वे यू आर एंड कीप the way you with me, if no matter our relationship goes there. Surely. The happy Rakshabandhan, bhai. Thank you so much. मैं शायद अपने भाइयों से इतनी close नहीं हूँ. शायद उनको मेरी तकलीफें या मेरे दुख या मेरी अच्छी चीजें नहीं पता जो आपको पता है आज की date में. Thank you so much being that brother to me. Happy Rakshabandhan, bhai. Thank you. God bless you. तो मेरा message है. जब मैं सभ्य से मिली तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा. वो बिग बॉस 11 में थे और मैं बिग बॉस 10 में थी, लेकिन हमारा कनेक्शन बहुत ही अच्छा बना. उनमें मुझे एक भाई नज़र आया, नवीन जी तो मेरे भाई थे, बिग बॉस में और भी 3 लोग मेरे भाई थे, लेकिन उसके बाद नवीन जी से मेरा एक अच्छा कनेक्शन बना. लेकिन जब मैं सभ्यसाची से मिली तो मुझे उनके साथ एक अच्छी वाली फीलिंग आई, और हमारे बीच में कभी थैंक यू कभी वेलकम नहीं चलता. हम दोनों बातें करते हैं और मैं इनसे बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ, मेरे से बड़े हैं, और मुझे इनमें एक भाई एक अच्छा दोस्त नज़र आया. और जब भी मैं दिव्या जी के घर सभ्यसाची के घर पे आती हूँ तो मुझे हमेशा
वो एक अटैचमेंट, एक घर वाली, एक परिवार वाली फीलिंग आती है। और मैं यहाँ पे हमेशा बेधड़क आती हूँ, मस्ती करती हूँ। आपने देखा भी होगा, हम पिक्चर्स भी शेयर करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हमारा हमेशा ये रिश्ता बना रहे। जरूर रहेगा। और मैं हमेशा गाइडेंस लेती रहूँगी, भले ही मैं सीजन 10 में थी, सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता, एक दिल का कनेक्शन सबसे ज़्यादा होता है। सो थैंक यू सो मच भाई, एंड लव यू भाई। My always is with you and keep smiling all the time. Thank you. और एक और something, happy रक्षाबंधन। Thank you. ये देखो कितने प्यार से एक राखी वाले बना के उसने बनाया हुआ है। Yeah, seriously, मैंने कभी अपने भाई के लिए ऐसा नहीं बनाया। हम तो रेडीमेड लेकर आते हैं राखी और बांध देते हैं, लेकिन आपके लिए बनाया, क्योंकि भाई जा चुके हैं और मुंबई में काफ़ी सारी चीज़ें होती है। यहाँ पे लोग एक अच्छा परिवार, जैसे वही, कि वही। मैं सच बता रही हूँ, मैं जब मुंबई में आई थी दोस्त बहुत सारे बने, लेकिन मुझे भी चाहिए था कि एक परिवार मिले, एक अच्छा रिश्ता मिले जहाँ पे मैं टाइम स्पेंड कर सकूँ। तो मैं जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे वो सारी चीज़ें नज़र आई और मुझे एक अच्छा भाई मिला। बड़ी प्यारी लग रही हो। थैंक यू। मैंने सैगिदा, मैं इन्हें सैगिदा बोलती हूँ, पता नहीं सगुन इनके बहुत सारे नाम हैं, पर मैं इनको सैगिदा बोलती हूँ। और मैं इनके लिए एक छोटा सा पेंटिंग और कुछ लिखी हूँ। बताओ। थैंक यू सो मच सैगिदा, आप हर टाइम जब भी मुझे कुछ पूछना हो सबसे पहले मैं आपको ही कॉल करती हूँ, एंड आप हमेशा मेरे लिए अच्छे रास्ते बताते हो, एंड हमेशा मेरे साथ हो एक बड़े भाई की तरह, एंड कुछ गलतियाँ हो जाती है तो आप वो भी मुझे बताते हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप मुझसे बहुत बड़े हो, तो मैं तो बस यही चाहूँगी कि आप हमेशा खुश रहो और आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो। आई लव यू सो मच सैगिदा। थैंक यू। और ये एक बात है कि मुझे आप सैगिदा से भी पूछ सकते हो, मुझे अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, मुझे मुंबई भी आना था तो मैंने सैगिदा से ही पूछा कि मैं एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं कि क्या करूं। मैंने इनसे, मतलब मुझे ऐसा होता है कि मैं सबसे पहले इनको ही कॉल करती हूं हमेशा। हाँ, हमेशा। So, ये थी मेरे पांचों बहनें जो बॉम्बे के हैं, इतना प्यारा सा इसने बनाया। अटैक कम यार। चलो मैं ले आया राखी। मेरा सिंपल सा फिलॉसफी है लाइफ में कि एक दूसरे का साथ दें एंड हमेशा खुश रहें एंड प्यार से रहें। बट आई हैव टू से समथिंग दिस राखी, वेमेन यू आर सरस्वती, यू आर दुर्गा, यू आर काली, यू आर महालक्ष्मी, यू हैव ऑल द पावर्स टू बी हु यू आर। यू फाइट इन योर हाउसेज आउटसाइड, यू गो थ्रू ऑल द प्रॉब्लम्स एंड यू डू नॉट इवन से अ सिंगल वर्ड। तुम्हें रक्षा की ज़रूरत नहीं है, तुम खुद ही काबिल हो, तुम सबके इक्वल हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम लाइक स्पेस में जा सकते हो, तुम किचन संभाल सकते हो, तुम डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ हो, इक्वल हो। सो इट शुड, द ट्रेडिशन शुड ब्रेक हियर दैट ओनली यू नो सिस्टर्स शुड टाई द राखी टू द ब्रदर्स। टुडे आई एम गोइंग टू टाई यू एंड टेल यू दैट यू कैन कॉन्कर द वर्ल्ड। सो मैं या प्लीज कोई भी सिक्योरिटी सेफ्टी मांगने की ज़रूरत नहीं है, रादर तुम घर को सिक्योर करती हो, तुम लोगों के खाना खिलाते हो, तुम अपने करियर में इतने बनाते हो कि तुम्हारे घर में 10 लोग काम करते हैं। Now comes you.
प्योर होता ना रिलेशनशिप ब्रदर एंड सिस्टर पॉजिटिव थैंक यू कम्स अनारा अनारा हम तो डेस्टिनी से बने डेस्टिनी से भाई बहन हम लोग हाँ लोगों ने बहुत सुना है देखा है तुमने बहुत सहा है अपने आप को कभी झुकने नहीं दिया हमेशा अच्छे काम किए हैं मेहनत किए हैं काम नहीं करती हो तो तुम थक जाती होगी और काम चाहिए सो उस दबंग लड़की के लिए जो कुछ करना चाहती है हैप्पी रक्षाबंधन होल्ड इट बहुत नाम कमाया तूने तूने कभी कोई गलत काम किया नहीं है कहीं भी आगे बढ़ने के लिए और आगे ना करेगी भगवान करे तेरा साथ हमेशा रहे सबके साथ और तुझे सबका आशीर्वाद मिले तो जिस काम के लिए आई है मुंबई में वो तरक्की करे उसमें अच्छा काम करे एंड गॉड ब्लेस यू आई टाई यू राखी तेरे लिए गणपति वाला है सो दैट बुद्धि बल सब कुछ तुझे प्रदान हो जैसे हो वैसे रहना और हमेशा खुश तो रहते हो और ज़्यादा खुशी खुश रहना और आप जो चाहते हो वो आपको मिले थैंक यू बच गई हमारी लोकेश ओके तो सभी ने सबके लिए बोला है लेकिन मैं पहले बोलना चाहती हूँ सभी के लिए तो सभी के पास है शब्दों का खजाना फीलिंग से भरे शब्दों का खजाना तभी तो उन्होंने हम बहनों के जज्बातों को जाना लोगों के जज्बातों को समझ लेते हैं तो यही क्वालिटी है और इनमें सब कुछ है हमेशा खुश रहिए बस मैं यही चाहती हूँ और भाई बहन का ये हमारा रिश्ता हमेशा बना रहेगा और keep smiling always मैं राखी बांधू या लोकेश ने इतनी प्यारी बातें कही लाइक राइमिंग करके कहा और दिल से कहा है लोकेश शायद हम एक दूसरे को ज़्यादा जाने ना जाने बट कहीं ना कहीं इंसान के हिसाब से एक दूसरे को पहचानते हैं जानते हैं तुम में अच्छाई नहीं होती तो तुम रिश्ता नहीं रखते मुझ में कुछ अच्छाई नहीं होता तो शायद रिश्ता नहीं रखता बट यस शी इज़ अ डीवा ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप को ऐसे ढाला है ऐसे बदला है कि लोग देख के चौंक जाते कि ये वही लोकेश है आई एम प्राउड ऑफ यू ऐसे ही चौंकाने वाले न्यूज़ लोगों को देते रहो खुश रहो और आगे बहुत बढ़ो मे गॉड ब्लेस यू राखी पहली बार मुझे बंध रही है भाई ने बांध दिया है और वो भी सभी साची भाई से सो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है और ये दिखाता है कि हाँ बहनें अपनी खुद रक्षा कर सकती है यस यू ऑल आर एनी टाइम पावरफुल देन एनी मैन इन दिस वर्ल्ड थैंक यू मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है बहुत कुछ है आप में जो मैं चाहती हूँ कि मुझे मिले जरूर मिले अच्छी गाइडेंस मिले प्यार तो आप देते ही हो तो ऑलवेज इसमें ना खाना भी वो भी डाइट वाला सो ये थे मेरे पांचों बहनें पांच पांडव पांडवीज तो इन्होंने लाल पीला तो कर ही दिया होगा आई एम रियली टच जो उन्होंने लिखा शब्दों में और जो कहा एंड भगवान करे
ऐसे रंग बिरंगी और इतने चटपटे और इतने सुलझे हुए बहनें सबको मिले, बिकॉज उनसे मैंने सीखा है कि हाउ टू फाइट लाइफ. एवरी वन हैज गॉट अ स्ट्रॉन्ग स्टोरी एंड दे आर रियली दबंग सिस्टर्स. पांच तो लाया था पांच बहने के लिए. मुंह मीठा करो, दिस इज डाइट. थैंक यू सो मच टेली मसाला. मेरे दो असली और अपने बहनें, ये तो नकली हैं. पल्लविनी एंड मनस्विनी, दे आर वेरी केयरिंग, लविंग एंड बहुत खूबसूरत इंसान है वो दोनों. उन्होंने बहुत संभाला है. लाइक आई टेल यू अन इंसिडेंट. मैं मेरे छोटी बहन जो है, लाइक सेकंड सिस्टर जो है, वो इतना प्यार करती थी कि उठ के रात को शी यूज टू चेक माई हार्ट बीट्स, मैं ठीक हूँ कि नहीं, एंड पल्स चेक करके सोती थी. सो मैं तो सबसे छोटा हूँ घर में. सो दे यूज टू लव मी अ लॉट एंड दे स्टिल लव मी अ लॉट. जब भी कोई ज़रूरत होता है इन लोगों को मैं सजेशन देता हूँ, एडवाइस देता हूँ. जब इनकी ज़रूरत होती है, जब मुझे ज़रूरत होती है, माई बेस्ट फ्रेंड इज़ माई मदर. सो आई ऑलवेज टेक हर एडवाइजेस इन एवरीथिंग एंड सिस्टर्स आर ऑलवेज देयर. एंड यू वुड बी द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड टू हैव सिस्टर्स लाइक दीज. सो हैप्पी रक्षाबंधन. गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू.